दोस्तों सबसे पहले इस वाले वीडियो के स्क्रीन रिकॉर्ड यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्ड ओपन किया है और यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए 4000 पब्लिक वॉच टाइम एक चैनल मॉडरेशन करने के लिए लगता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए मतलब 4000 क्या है, यहाँ पर 5300 वॉच टाइम कम्प्लीट हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर लगभग दोस्तों मेरा यहाँ पर 8 से 10 दिन लग गया है ये कंप्लीट करने में। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि दोस्तों आप 2 दिन में कंप्लीट करना है तब भी दोस्तों आप कर सकते हो। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि 2 दिन में करने के लिए दोस्तों आपके पास इंटरनेट जो है इंटरनेट हाई स्पीड होना चाहिए, उसके बाद दोस्तों आप 2 दिन में 4000 पब्लिक वॉच टाइम कम्प्लीट कर सकते हैं। सो दोस्तों कैसे करना है आज की इस वीडियो में कम्प्लीट ट्यूटोरियल देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने वाला हूँ। और दोस्तों मेरा जो पहचान है सबसे पहले आपको मैं कहना चाहता हूँ, जैसे कि दोस्तों मैं एक न्यू यूट्यूबर नहीं हूँ, आपको लगता है ये चैनल देख कर कि मैं एक न्यू यूट्यूबर हूँ, मेरा और 3 चैनल चल रहा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक है मेरा पुराना चैनल की, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए एक नया YouTube चैनल ओपन करना बिल्कुल फ्री है, लेकिन दोस्तों एक YouTube चैनल से पैसा कमाने के लिए दोस्तों आपको 2 क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होता है। जैसे कि फर्स्ट जो क्राइटेरिया है दोस्तों आपको 1000 सब्सक्राइबर्स आपके चैनल पर आपको कंप्लीट करना होगा। सेकंड जो हो क्राइटेरिया है दोस्तों आपको 4000 पब्लिक वॉच टाइम आपके चैनल पर आपको कंप्लीट करना होगा। उसके बाद दोस्तों जब ये दोनों क्राइटेरिया आपके चैनल पर फुलफिल होता है तब दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको आपके चैनल जो है मोनेटाइजेशन के लिए आपको भेजना होता है, यानी कि रिव्यू के लिए। उसके बाद दोस्तों YouTube टीम द्वारा जब रिव्यू किया जाता है, अगर आपके चैनल बिल्कुल ठीक ठाक है बिल्कुल सही है तो उसके बाद दोस्तों YouTube टीम जो है आपके चैनल जो है एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों आपके चैनल से आप नेक्स्ट टाइम से अर्निंग करना शुरू कर सकते हो। सो दोस्तों ये जो YouTube चैनल है YouTube चैनल से अर्निंग करने के लिए दोस्तों आपको ये 2 क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है। जैसे कि दोस्तों 1000 सब्सक्राइबर्स जो है जैसे जैसे काफ़ी लोग कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे कि साफ पर साफ करके या किसी फ्रेंड को ज़बरदस्त सब्सक्राइब करवा के या किसी ऐप से या बाई कर लेते हैं, मतलब किसी भी हालत में 1000 सब्सक्राइबर्स जो है कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों 4000 घंटा जो पब्लिक वॉच टाइम है ये कंप्लीट करना काफ़ी मुश्किल होता है। जैसे कि अगर आपके चैनल बिल्कुल नया है और आपके चैनल पर अभी तक एक भी वीडियो वायरल नहीं हुआ है तब आपको मतलब 4000 पब्लिक वॉच टाइम कंप्लीट करने में काफ़ी मुश्किल हो सकता है। इसलिए दोस्तों अगर आपके चैनल पर एक भी वीडियो वायरल नहीं हुआ है तो दोस्तों आपको क्या करना है, इसलिए दोस्तों ये वीडियो खास करके आप लोगों के लिए मैंने लेकर आया है। जैसे कि दोस्तों अगर आपके चैनल पर एक वीडियो भी वायरल नहीं हुआ है तब दोस्तों आप जाके 4000 पब्लिक वॉच टाइम आप कंप्लीट कर सकते हैं। वो भी दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मतलब एक हफ्ता में कंप्लीट करना है तो कर सकते हैं, अगर आप चाहते हो कि एक दिन में कंप्लीट करना है तब कर सकते हैं, अगर आप चाहते हो कि 2 दिन में ये 4000 पब्लिक वॉच टाइम कंप्लीट करना है तब भी दोस्तों आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक एक मतलब प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए आपके पास दोस्तों थोड़ा बहुत इंटरनेट होना चाहिए, अगर आपके पास वाईफाई होता है तो भी और भी बेहतर होता है, क्योंकि दोस्तों वाईफाई की ज़रूरत पड़ जाता है उस टाइम। और दोस्तों जो वीडियो आप जिस वीडियो के थ्रू आपके चैनल पर आप 4000 पब्लिक वॉच टाइम कंप्लीट करना चाहते हो इस वीडियो की लेंथ थोड़ा बहुत ज़्यादा होना चाहिए। दोस्तों अगर आपकी चैनल पर वीडियो की लेंथ जो है कम है तब भी चलता है, लेकिन दोस्तों टाइम या दिन ज़्यादा लग सकता है। इसलिए दोस्तों अगर आपके चैनल पर लेंथ वीडियो यानी कि लगभग 1 घंटे से ज़्यादा होता है या 1 घंटे की एक वीडियो होता है तो दोस्तों काफ़ी टाइम नहीं लगता है, अगर आप चाहो तो एक दिन में 4000 पब्लिक वॉच टाइम आप कंप्लीट कर सकते हो। सो दोस्तों ये कैसे कंप्लीट करना है, कैसे पॉसिबल होता है आपके चैनल पर 4000 पब्लिक वॉच टाइम कंप्लीट करने के लिए इस वीडियो को लगातार देखना होगा। उसके बाद दोस्तों आप खुद ही कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो एक हफ्ता में कर सकते हैं, चाहो तो एक दिन में कर सकते हैं, चाहो तो 2 दिन में कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर स्क्रीन पर लगा के आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह ये कंप्लीट करना है। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है कि YT स्टूडियो ओपन करना है। YT स्टूडियो ओपन करने के बाद दोस्तों जिस वीडियो के थ्रू आपके चैनल पर 4000 पब्लिक वॉच टाइम आप कंप्लीट करना चाहते हो इस वीडियो की जो लिंक है ये आपको कॉपी करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर शेयर ऑप्शंस पर क्लिक करके दोस्तों यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ। सो दोस्तों मैंने कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको आना है बैक। बैक आने के बाद दोस्तों आपको कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करना है, जैसे कि क्रोम ब्राउज़र आप ओपन कर सकते हैं या गूगल ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर टाइप एक न्यू टैब ओपन करना है। एक न्यू टैब ओपन करने के बाद सर्च बार में टाइप करना है जैसे कि VIEW, इसके बाद SYNC, इतना ही दोस्तों टाइप करके सर्च करना है। सर्च करने के बाद दोस्तों फर्स्ट जो लिंक है VIEW SYNC, इस लिंक पर क्लिक कर देना है। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह इंटरफेस जो है आपके सामने डिस्प्ले होता है।
सो दोस्तों यहाँ पर आपको थ्री डॉट पर क्लिक कर देना है। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप साइड जो है सिंपली ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद दोस्तों आपने जो वीडियो की जो लिंक कॉपी किया है ये सबसे पहले तो आपने कॉपी कर लिया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं ज़रा जूम करता हूँ, यहाँ पर देखिए स्टेप वन एड वीडियो, तो जो प्लस वाला जो बॉक्स है दिया गया है इस बॉक्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए पेस्ट यूट्यूब और बी एस यू आर एल, यानी कि जो वीडियो आपने कॉपी किया है यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद दोस्तों देखिए मैंने पेस्ट कर दिया है, फिर से दोस्तों प्लस आइकन पर क्लिक करके फिर से पेस्ट कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, फिर से यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करके मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कर दिया है, इसके बाद फिर से मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करके मैंने पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने कर दिया है, फिर से यहाँ पर क्या करना है कि पेस्ट कर देना है। इसी तरह दोस्तों आपके पास जितना नेटवर्क है नेटवर्क के हिसाब से यहाँ पर दोस्तों आप एक साथ मतलब 100 वीडियो आप एक साथ लगा सकते हो। अगर आपके पास वाईफाई है तो और भी बेहतर बनता है, इसलिए दोस्तों नेटवर्क के हिसाब से यहाँ पर वीडियो ऐड करना है। चलिए दोस्तों मैं और भी एक वीडियो यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो लगभग दोस्तों यहाँ पर मैंने कितना ऐड किया है, 6 वीडियो ऐड किया है। अगर दोस्तों आप चाहो तो 10 वीडियो ऐड कर सकते हो, चाहो तो आप 50 वीडियो ऐड कर सकते हो। जितना वीडियो यहाँ पर ऐड करेंगे, अगर आपके वीडियो की लेंथ मान लीजिए 1 घंटे हैं, तो दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर 5 वीडियो अगर आपने ऐड किया है तो 5 वीडियो में एक बार यूज़ करने के बाद आपको कितना मिलता है, 5 घंटा वॉच टाइम मिलता है। तो बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर वीडियो जितना आप चाहो यानी कि आपके नेटवर्क के हिसाब से ऐड करना है। ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर और एक ऑप्शन देखिए, स्टेप टू टेस्ट ऑडियो, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। मैंने क्लिक किया है, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर देखिए टेस्टिंग हो रहा है, तो यहाँ पर टेस्टिंग होने दीजिए। जब टेस्टिंग जो कंप्लीट होता है तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको और भी काम करना है। तो यहाँ पर दोस्तों टेस्टिंग हो रहा है, इसके बाद दोस्तों टेस्टिंग जब कंप्लीट होता है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए स्टेप 3 व्यू एस वाई एन सी, इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पर दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे इसके बाद दोस्तों नीचे एक लिंक यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये जो लिंक है सिंपली आपको क्या करना है, कॉपी करना है। तो दोस्तों चलिए मैं ये कॉपी कर लेता हूँ। सो दोस्तों मैंने कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि किसी फिर से एक न्यू टैब पर ओपन करना है, ये लिंक कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करके न्यू टैब पर क्लिक कर देना है। न्यू टैब पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो सर्च बार है, सर्च बार पर पेस्ट कर देना है जो लिंक आपने कॉपी किया है, वही लिंक यहाँ पर पेस्ट कर देना है। चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लिंक आपने कॉपी किया है यहाँ पर ग्रीन हो चुका है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सर्च करना है। सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि कुछ इस तरह इंटरफेस जो है आपके सामने डिस्प्ले होता है। सो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने 6 वीडियो यहाँ पर ऐड किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप मतलब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि आप हज़ारों वीडियो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट की मतलब स्पीड ज़्यादा है तो आप हज़ारों वीडियो ऐड कर सकते हैं। मतलब दोस्तों अगर आपकी वीडियो की लेंथ 1 घंटे है तो दोस्तों यहाँ पर आप 2 वीडियो अगर एक बार आप यहाँ पर देखिए जब आप चालू करेंगे, चालू करने के बाद दोस्तों एक साथ ये कंप्लीट होता है और आपकी जो वॉच टाइम है काउंट होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों आप मतलब 500 वीडियो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं एक साथ, या 50 वीडियो आप एक साथ ऐड कर सकते हैं, 10 वीडियो एक साथ ऐड कर सकते हैं, 20 वीडियो एक साथ ऐड कर सकते हैं। दोस्तों आपके हिसाब से यानी कि आपके पास जितना नेटवर्क की स्पीड है उसी के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर ऐड करके अगर आप चाहें तो 1 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो दोस्तों आप 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक वीडियो जब क्लियर हो जाता है तो एक साथ दोस्तों अगर आपने 500 वीडियो कंप्लीट यहाँ पर ऐड किया है तो एक साथ 500 वीडियो 1 घंटे में 500 वीडियो वॉच किया जाता है और जो वॉच टाइम काउंट है ये काउंट होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह आपको काम जो वॉच टाइम जो है कंप्लीट करना है। सो दोस्तों आई होप ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करना है, इस चैनल में नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। सो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।